आज हम बना रहे हैं चटनी वाली फ्राई फिश और ये कैसे बनती है और हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है तो चलिए शुरू करते हैं। मसाले, हल्दी हाफ टी स्पून, मिक्स मसाला 1 टीस्पून, कुटे हुए जीरा हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, चुटकी भर कुटे हुए धनिया हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हसबे जायका 1 टीस्पून, मछली मसाला हाफ टी स्पून। टमाटर लिया है चटनी के लिए, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, बारीक बारीक चॉप करके काटा है, और 1 नींबू लिया है, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका हाफ टी स्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस हाफ टी स्पून, और यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ली है, मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में करवा लिए हैं इसको, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फिशें रखी है, अब इसमें मसाले डालेंगे, सारे मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका हाफ टी स्पून, चिली सॉस 1 टी स्पून, सोया सॉस हाफ टी स्पून, और आधा नींबू निचोड़ लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आप दिल में कहिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत टेस्टी बनती है हमारी मछली। बिस्मिल्लाह रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फिश थी वो मैरिनेट हो गई है, तो चलिए इनको आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, तो चलिए मैरिनेट करते हैं इनको। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे से 5 मिनट मैंने ज़्यादा रखा था इनको, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं, फिर आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप मछली ज़्यादा या कम फ्राई कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 कप डाला है मछली फ्राई करने के लिए, और जब तक हमारा ऑयल गर्म नहीं होता तो इसमें फिश नहीं डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें 1 1 करके फिश डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए इनको पकने देते हैं फिश को। एक चूल्हे पे हमने फिश चढ़ा दी है फ्राई करने के लिए, अब इसमें हम चटनी बनाएंगे, फिश की चटनी बनाएंगे, तो चलिए फिश की चटनी बनाते हैं। मैंने इसमें कुछ धनिया की पत्तियां और 3-4 हरी मिर्च डाले हैं कतरे, और प्याज डालेंगे अब। टमाटर, तो चलिए इनको भी पकने देते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी थोड़ी सी चटनी है वो बिल्कुल रेडी है, पकने वाली है। और जो मछली में मैंने मसाले डाले थे अल्हम्दुलिल्लाह वो आप ज़ाया ना कीजिए, इस चटनी में काम आ जाएंगे। तो मैं अभी एक चम्मच जो है मछली से मसाला बचाई ये वाला, तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप ज़ाया ना कीजिए ये मसाला जो मछली से बचा ये, तो मैंने इसमें डाल दिया ये मसाला। इसमें क्या होता है कि जो फिश का सारा मसाला है जो मैंने इसमें मैरिनेट किया था तो ये इसमें डाला है, तो ये परफेक्ट बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चटनी थी वो बिल्कुल रेडी है, पक के तैयार। तो चलिए इसको उतार लेते हैं चूल्हे से, फिर हमने अपनी फिश दिखानी है आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए ताकि मेरी अच्छी वीडियो आप लोगों को आसान से मिल जाए, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके, और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और हमें कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी हमारी।